मुंबई में सिद्धि टेलीविजन की तरफ से होली मिलन समारोह बड़े ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। तो वहीं इस कार्यक्रम को खास बनाया वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवकों ने। जैसे कि हम बात करें तो इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार श्री सैयद सलमान, डॉक्टर श्री देवमणि त्रिपाठी, समाज सेवक अभिजीत राणे, ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहीं इस खास मौके पर विकलांग की पुकार पेपर को भी लॉन्च किया गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस होली मिलन समारोह की एक झलक। पत्रकार बंधु श्री राणे जी, श्री अनंत कुमार, अनंत श्री माली जी, श्री देवमणि पांडे जी, सलमान जी और आप सब बंधु, आज विकलांग की पुकार ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। होली शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, होली यानी किसी का अगर हम हो जाते हैं, अपना बना लेते हैं, तो होली हमारी पूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और विकलांग की पुकार ने इसीलिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। मिलोगे हमसे तो अच्छा लगेगा, जिसे तुम दिल से अपना मान लोगे वही रिश्ता तुम्हें सच्चा लगेगा। किसी दिन पास तो आओ हमारे, मिलोगे हमसे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कार्यक्रम के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। अगले शनिवार को मेरे ख्याल से 25 तारीख है, हाँ, कॉलेज अंधेरी में एक जैन ऑडिटोरियम है, उसमें गजल के कुछ बहुत अच्छे शायर इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली से बहुत नामी शायर है आलोक श्रीवास्तव, आणि कायम त्यांच्या जवळ येण्याची संधी या सगळ्या परिवारामुळे मला मिळत जाते। डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी साहेबांच्या कार्यक्रमांमध्ये मी कायम असतो। राजेश विक्रांतजी कायम बऱ्याचशा साहित्यिक कार्यक्रमांमध्ये मला बोलवत असतात, मला संधी देत असतात। कदाचित तुम्हाला माझं वय माहीत नसेल, मी फार युवा आहे। या ठिकाणी मला कायम प्रमुख स्थान दिलं जातं, त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचं नम्रपणे आभारी आहे, धन्यवाद व्यक्त करतो। परत जेव्हा कधी माझी गरज लागेल तेव्हा निश्चितपणे तुमच्या सेवेस हजर राहील, आणि काही चुकून जास्त बोललो असेल तर मी माफी मागतो, कारण सगळे श्रेष्ठ आहे, सगळे श्रेष्ठ आहे। आणि माझ्या सगळ्या सत्कार मूर्तींना ज्यांनी ज्यांनी आज जे काही पुरस्कार आपल्याला मिळालेला आहे, खरोखर तुम्ही सगळे त्याच उंचीचे त्याच कुवतीचे लोक आहात। खरोखर तुम्ही समाजासाठी खूप काही दिलेलं आहे, आणि निश्चितपणे असंच यापुढे देखील आपण समाजाला देणं लागतं। या दृष्टिकोनाने आपण यशस्वी काम करावं, एवढंच बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो। जाईल मेरे सामने बैठे हुए लोग, कई भाई बहन, हमारे मित्र, मेरा एक सौभाग्य रहा कि आज 86 की बात है, कॉलेज में था मैं, और स्वरचित काव्य लेखन और पठन की प्रतियोगिता हुई थी, जिसका संचालन भैया देवमणि पांडे जी ने किया था। बढ़िया हो, लेकिन उन्होंने तब कहा था अच्छा बोलते हो, अगर कहा होता अच्छा पढ़ते हो तो शायद मैं भी किसी मंच पर फिर पढ़ रहा होता कविता या गजलें। उन्होंने कहा अच्छा बोलते हो, उसके बाद से जो गोल वचन पत्रकारिता की, खाली गोल वचन पत्रकारिता में गया, लिखना थोड़ा सा भूल गया था। ये तो अनिल भाई जैसे लोगों का और कई लोगों का फिर इन्होंने जगाया कि फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो अच्छा बोलते हो कहा, बहुत अद्भुत है, और हम जैसे रचनाकारों को जो सम्मान दिया गया है बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इतने बड़े महानुभाव और इतने बड़े सम्मानित लोगों के बीच में जो हमारी इज्जत और सम्मान का ख्याल रखा गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मिलन जो किया गया है सारे साहित्यकार और रचनाकारों को लेकर, ऐसे और भी आगे होने चाहिए ताकि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयाँ हैं, विपत्तियाँ हैं, वो दूर की जा सकें। चूँकि पत्रकारिता को और साहित्यकार को एक चौथा स्तंभ कहा गया है, तो मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से कि ये कार्यक्रम बार बार होने चाहिए ताकि हमारे समाज में एक स्थिरता आ सके और देश हमारा बुलंदियों के शिखर तक पहुंच सके। मेरा नाम तुषार अर्जुन है और मैं एक प्लेबैक सिंगर हूं, मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूं। आज जो कार्यक्रम हुआ ये जो सिद्धि टेलीविज़न द्वारा आयोजित किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर के। बहुत दिनों बाद मैं भी अपने दोस्त मित्रों से और जितने भी मीडिया पर्सन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ।